अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिए और उसके बाद शेयर बटन दबाकर आप फैमिली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए। राइट साइड वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद एक बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन दबाने से आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे और उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को पतले और छोटे काट दिए हैं। गाजर को भी मैंने बहुत ही छोटे बारीक काटे हैं। आप चाहे तो इसको ग्रेट कर दीजिए। प्याज को काट लिया है। आप चाहे तो इसमें कैप्सिकम काट कर भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को पहले एक बर्तन में डाल देंगे। अब इसमें स्वाद के हिसाब से मैं नमक आधा चम्मच डाल रही हूँ, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और इसके साथ इसको बाइंड होने के लिए हम मैदा डालेंगे या फिर कॉर्नफ्लोर। मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ 3 चम्मच। इसमें मैं अभी पानी बिल्कुल नहीं दूंगी क्योंकि कैबेज से बहुत सारा पानी निकलता है। अगर जरूरत पड़ा तो फिर हम देंगे, वरना उसी में ही बाइंड। इसमें थोड़ा सा ही पानी लगेगा, मैं हल्का सा पानी ले रही हूँ 1 चम्मच के करीब ही, और इसको डाल के फिर से हम मिलाएंगे। आप एक बार में ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालिएगा वरना ये पूरा गीला हो जाएगा। इसमें अब हल्का सा पानी लगेगा। अब इसके छोटे छोटे गोले बना देंगे मैंचूरियन के। यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, ये अभी गरम हो चुका है। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें एक एक करके अपने सारे बॉल्स डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर सारे बॉल्स मेरे बन चुके हैं। यहाँ पर सारे बॉल्स मेरे बन चुके हैं। मैंने यहाँ पर पैन चढ़ा दिया है, तेल गरम कर लिया है। इसमें मैं एक हरी मिर्च डालूँगी, आप अपने तीखे के हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ कटे हुए लहसुन डालूँगी और अदरक भी। इसके साथ ही छोटे छोटे कटे हुए मैं यहाँ पर प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हरा प्याज है तो फिर आप उसको डाल सकते हैं। जब तक ये हल्का सा फ्राई हो रहा है हम एक स्लरी बना देंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको मिला देंगे अच्छी तरह से। ये हमारे ग्रेवी को थिकनेस देगा।
अब ये हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें सोया सॉस डालूंगी। मैं इस चम्मच में 1.5 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ। चिली सॉस आप अपने तीखे के हिसाब से डालिएगा। मैं यहाँ पर 1 ही चम्मच डाल रही हूँ। और टमेटो केचप 2 चम्मच। इसके साथ ही थोड़ा सा पानी डालूंगी, 2 चम्मच ही। चुटकी भर नमक, चीनी भी चुटकी भर ही डालूंगी। थोड़ा सा ओजिनोमोटो, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। अब जो स्लरी हमने बनाया था इसको भी डाल दूंगी और इसी में ही थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा ग्रेवी बना लूंगी। अब इसमें सारे मैंचूरियन बॉल डाल के इसको सिम में 5 से 10 मिनट तक हम पका लेंगे। अगर आपको सर्व तुरंत करना है तभी आप बॉल्स डालिए, वरना ग्रेवी बनाकर आप रख दीजिए, स्टोर कर लीजिए, और खाने के टाइम पर ही जब आप ग्रेवी गर्म करें तभी आप बॉल्स डालिए। इसको 5 मिनट ऐसे ही पकने देते हैं। 3-4 मिनट हो चुका है, ये ग्रेवी आप देखिए थिक भी हो चुका है। अब इसमें मैं फ्रेशली चॉप्ड किए हुए पार्सले डाल दूंगी। अगर आपके पास ग्रीन ओनियन है तो फिर आप उसको भी डाल सकते हैं। और ये बन गया आपका मैंचूरियन।